हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थर्ड चैप्टर के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होता है, दैट इज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन जहां एक्स और वाई के पॉइंट्स मीट करते हैं उसे ओरिजन कहते हैं, और ओरिजन के पॉइंट्स क्या होते हैं, ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट एंड देन वाई एक्सिस का पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ एक्स एक्सिस, सेकेंड पॉइंट इज ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस के पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, मैंने आपको कुछ वैल्यूज निकालना बताई थी, कुछ वैल्यूज जैसे कि साइन 90 डिग्री, 90 तक बताया था, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट अगर हमारे पास मोर देन 90 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री से भी ग्रेटर हो सकता है, साइन 360 डिग्री, या कोई भी वैल्यू, ये इन टर्म्स ऑफ पाई रेडियन की फॉर्म में पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 5 पाई, 3 पाई, लाइक दिस। तो हम आज वो वैल्यूज निकालना सीखेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वी नो दैट हेयर इज 0 डिग्री एंड देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, देन 180 डिग्री ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज पाई, ऑन वाई एक्सिस हेयर इज 270 डिग्री, दिस मीन्स 3 पाई बाय 2, अगेन हेयर इज 360 डिग्री दैट इज 2 पाई, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड अगेन 2 पाई, ये हम पहले रीड कर चुके हैं। लेकिन साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू इन एक्सिस एक्सिस पर कितनी होती है, देखो 2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब जो भी इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। यहां साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, अप टू सो ऑन लाइक दिस। यहां साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, अप टू सो ऑन, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, अप टू सो ऑन लाइक दिस। जो हमारे पास पाई बाय 2 की वैल्यू होगी वही 5 पाई बाय 2 की वैल्यू होगी, वही 9 पाई बाय 2 की वैल्यू होगी। तो ऐसे हमारे पास प्रोसीजर चलेगा, देखते हैं। अब साइन 90 डिग्री, पाई बाय 2, पाई इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं टेबल ड्रॉ करके, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, एंड कॉस 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री इज 1, कॉस 90 डिग्री इज 0, ये वैल्यूज तो आपको पता है। तो जितनी पाई बाय 2 पे होगी उतनी ही 5 पाई बाय 2 पे होगी, उतनी ही 9 पाई बाय 2 पे होगी, तो कितने कितने का गैप आ रहा है, पाई बाय 2 के बाद 5 पाई बाय 2, 2, 3, 4, 3 नंबर्स का बीच में गैप आ रहा है, तो 6, 7, 8, 9 पाई बाय 2 पे भी यही वैल्यू होगी, 10, 11, 12, 13 पाई बाय 2 पे भी साइन और कॉस की यही वैल्यू होगी, तो ऐसे आपको याद रहेगा। अब हमारे पास आता है पाई की वैल्यू, साइन पाई, साइन पाई, साइन 180 डिग्री होता है 0, कोस, कोस थीटा की वैल्यू पाई पर, कोस पाई होता है माइनस 1, कोस पाई पर कितनी वैल्यू होती है, माइनस 1, साइन कैसे पता लगेगा, देखो कैसे पता लगेगा, साइन पाई की वैल्यू, जो वैल्यू पाई पर होगी वही 3 पाई पर होगी, वही 5 पाई पर, वही 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, ऐसे ओड नंबर्स, मल्टीपल ऑफ ओड नंबर्स ऑफ पाई हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। साइन पाई, साइन पाई मीन्स साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने देखा ये क्या है एंगल, जो थीटा है वो 360 डिग्री से कम है, तो 360 डिग्री से तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 360 डिग्री से कम है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 डिग्री,
90 प्लस 90 तो 90, 90 क्या हो गया पाई बाय टू, 90 क्या हो गया पाई बाय टू। पाई बाय टू पर जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है क्या उस पर चेंज होता है? बिल्कुल होता है, वाई एक्सिस पर चेंज होता है। जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला था हम क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा कुछ ऐसे लिखते थे। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये चेंज देखता है तो वाई एक्सिस पर चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। अब ये वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री कितना होता है जीरो। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई जीरो। साइन 180 डिग्री इज जीरो। नहीं भी याद रहता कई बार तो आप ऐसे फाइंड आउट करके देख सकते हो कि किसकी वैल्यू कहां क्या आएगी। अगर आपको साइन 5 पाई की वैल्यू निकालनी है क्या करेंगे, साइन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, कितना हो जाएगा जीरो। 5 8 40 0 5 1 5 900, यानी कि हमें साइन की वैल्यू 900 डिग्री निकालनी है। तो साइन की वैल्यू 360 से ग्रेटर है, 360 900 को किससे डिवाइड कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो साइन थीटा हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। तो सिमिलरली कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई पर या 3 पाई पर 5 पाई पर माइनस वन। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद रहती मैं आपको मेथड बता रही हूं हाउ टू फाइंड दी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 पर हम क्वेश्चन आया साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे साइन पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट किया डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 9 18 जीरो, साइन कितना हो जाएगा 9 3 27 270 डिग्री। किसकी वैल्यू पूछी हुई है साइन 270 डिग्री की, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री। हम यहां क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। वैसे ही तो क्वेश्चन है जैसे हम 3.2 में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब साइन 180 डिग्री पर नो चेंज कितना आ गया, साइन 180 डिग्री पर नो चेंज तो कितना आ गया साइन ही आ गया और यहां क्या लग जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 180 पर नो चेंज, लेकिन 180 में कुछ ऐड हो रहा है, 180 में कुछ ऐड हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है नेगेटिव, सो वी पुट हियर नेगेटिव साइन। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस यहां लगा दिया तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्यों लिखा हुआ है, जनरली थीटा लिखा हुआ है क्योंकि थीटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 अप टू सो ऑन लाइक दिस। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, तो 3 पाई बाय 2 पर माइनस वन आ गई, 7 पाई बाय 2 पर भी माइनस वन। सिमिलरली हम किसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज पर कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितनी आएगी जीरो। सिमिलरली 2 पाई पर चेक कर सकते हैं, 2 पाई पर चेक करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड कोस थीटा इज इक्वल टू वन। जो भी मैं आपको करवा रही हूँ इसका सोल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। आगे देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जीरो, साइन थीटा की वैल्यू यानी कि जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो मिल रही है, साइन पाई की वैल्यू ये भी जीरो मिल रही है, यहां से देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो मिल रही है, साइन पाई की वैल्यू ये भी जीरो मिल रही है, साइन टू पाई की वैल्यू ये भी जीरो, क्योंकि जीरो टू पाई फोर पाई सारी वैल्यू जीरो होंगी। साइन 3 पाई यहां से देखा ये भी जीरो, साइन 4 पाई वो भी जीरो, साइन 5 पाई ये भी जीरो, साइन 6 पाई जीरो, साइन 7 पाई ये भी जीरो। यानी कि क्या आ रहा है हमारे पास पाई 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 आ रहा है। अरे भाई जीरो को भी यहां पाई लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं साइन 0 × π 0 × π, जीरो को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 0π 1π 2π 3π अप टू सो ऑन लाइक दिस, ऐसे तो बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या लिख दिया इन जनरल, जनरल लिख दिया थीटा क्या हो रहा है एन पाई, कि पाई है और एन की वैल्यू पुट करते जाओ 0 1 2 3 4 जितनी भी करनी है सारी वैल्यू जीरो होंगी। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का साइन होता है कि ये इसके अंदर लाई कर रहा है। जैसे मैं मान लो
ये कोई सर्कल है और मैंने इसमें एक पॉइंट पी लिख दिया, तो मैं क्या लिखूंगी क्या लिखूंगी? और इस सर्कल का पूरे का नाम मैंने ए दे दिया, तो क्या लिखूंगी? पी बिलोंग्स टू ए, पी जो है इस सर्कल ए में लाई कर रहा है। एन बिलोंग्स टू जेड, एन तो कुछ भी हो सकता हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 100 ऑन। जेड क्या है? जेड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच आर नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1 एंड अप टू सो ऑन लाइक दिस। नेगेटिव टर्म लेफ्ट साइड में ही तो इंक्रीज होती है, और 0 प्लस पॉजिटिव टर्म्स, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स इंक्लूडिंग 0, ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो एन किस में बिलोंग करेगा? जेड में, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, यानी हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। साइन -2π की वैल्यू तो भी 0 आएगी, सबकी वैल्यूज क्या आ रही है? 0 आ रही है। कोस थीटा भी 0, कोस पाई बाय 2 भी 0, कोस 0 0 है ये, कोस 0 इज इक्वल टू 0, कोस 0 इज इक्वल टू 0, कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 भी 0, कोस 3π/2 यहां भी 0, कोस 5/2 यहां भी 0। तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? थीटा की वैल्यू 2n+1, 2 के साथ n, 2n+1, उसमें एक 1 ऐड कर दो और बाहर पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2 है, तो बाहर तो पाई बाय 2 आ गया ब्रैकेट के। 2n+1, n की वैल्यू 0 पुट करके देखो कितना आएगा, 2 × 0 0, 1 बच गया, 0 + 1 1, 1 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 2 आ गया। फिर यहां एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, लाइक दिस हमारे पास क्या आ जाएगी? सारी वैल्यूज आ जाएगी। यानी कि कोस की वैल्यूज को हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू 2n+1 और बाहर पाई बाय 2। एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एन बिलोंग्स टू जेड। सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल है, कोस 3π, कोस 3π की वैल्यू कितनी होगी? कोस 3π, कोस 3π देखो कहाँ आएगा, यहां आएगा, कोस की वैल्यू 3π पर कितनी होगी? -1, यही होगी। साइन 3π/2, साइन की वैल्यू 3π/2 पर कितनी होगी? -1। कोस 50π, कोस 50π, अब 50 कैसा है? इवन नंबर। 50 कहाँ आएगा? यहां तो ओड नंबर्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर्स कहाँ आ रहे हैं? यहां आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10। 50 इज ऑल्सो एन इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। तो कोस की वैल्यू यहां देख लो क्या है, कोस की वैल्यू क्या है यहां इस पार्ट में, इस पार्ट में कोस की वैल्यू क्या है? 1। तो कोस 50π कितना आ गया? 1। यानी कि अगर आपको ये इतना सा पता है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों बोल रही हूं मैं? जिसमें भी इज इक्वल टू आ जाए। आपको पता है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या टर्म्स जिसमें इज इक्वल टू लगा होता वो इक्वेशन होती है, जिसमें इज इक्वल टू नहीं लगा होता वो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। इक्वेशन में इज इक्वल टू होना जरूरी है, एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू नहीं होता, सिंपल लिखा होता है। आगे चलते हैं, कोस 3π/2, कोस 3π/2, 3π/2 पर कोस की वैल्यू 0, सो वी आंसर इज 0, वी पुट हियर 0। साइन 270 डिग्री, अब तक तो हमें पता लग गया है 3π/2 को सॉल्व करते हैं, 270 डिग्री यही आता है, तो 270 डिग्री की वैल्यू साइन की कितनी हो जाएगी? -1, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया? -1। साइन 9π, 9π, 9 इज एन ओड नंबर, तो 9 यहां आएगा कहीं, साइन की वैल्यू यहां क्या है? 0, तो 9π की वैल्यू कितनी आ गई? 0। साइन 9π/2, 9π/2 कहां आएगा? पाई बाय 2, 5π/2, साइन पाई बाय 2, 5π/2, तो साइन 9π/2 यही आएगी नेक्स्ट टर्म, तो साइन की वैल्यू यहां कितनी है? 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सारे के सारे हमारे पास ऐसे ही है, देखो 11π/2, 11π/2 कहां आएगा? 3π/2, 7π/2, नेक्स्ट टर्म इज 11π/2, कितना आ रहा है यहां? -1, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? -1। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रहता कि ये हमें बनाना पड़ेगा छोटे से क्वेश्चन के लिए, तो हम क्या करेंगे? इन मेथड से निकाल सकते हैं, साइन 11 11π/2, पाई की वैल्यू पुट करो, साइन 11 × 180 डिग्री/2, 2 × 1 = 2, 90 डिग्री। 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन 99
990 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई? साइन 990। 990 को किससे डिवाइड करेंगे? 360 से। जो रिमाइंडर आएगा हम उसे क्या कर देंगे? थीटा मान लेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हम थीटा मान लेंगे। अगर वो अब फिर तो वो 360 से लेस ही आएगा। अब क्या करेंगे उसमें? जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना उसे सब्ट्रैक्ट करके जैसे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। सो वी गेट दी आंसर। तो यही आंसर आएगा आपका बिल्कुल एज इट इज। लेकिन अगर आपको ये याद है कि साइन की वैल्यू यहां ये होती है यहां ये होती है तो आपको इजिली टिप्स पे हो जाएंगे। ये कोस 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं और कोस की वैल्यू यहाँ कितनी होती है? -1। सो कोस 180 डिग्री कितना हो गया? -1। ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और कंसेप्ट। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर साइन थीटा जीरो हो जाए, अगर साइन थीटा जीरो हो जाए, साइन थीटा यहां जीरो हो रहा है, कोई भी थीटा ले लो, साइन थीटा यहां जीरो हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? एन पाई की। थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर कोस की वैल्यू जीरो हो जाए, कोस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integers. If cos theta is equal to 0 then theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer. If tangent theta is equal to 0, अगर tangent theta is equal to 0 हो जाए तो theta n pi होगा, जो हमारे पास sin की value थी वही होगी। If cot theta is equal to 0, अगर cot theta tangent का reciprocal 0 हो जाए तो theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 होगा where n belongs to z। अब ये कैसे आया? देखो याद करने का तरीका बता रही हूँ। tangent theta is equal to sin theta by cos theta होता है, cot theta is equal to इसका reciprocal होता है, cot theta tangent का reciprocal होता है तो ऊपर क्या आ जाएगा? cos theta और denominator में sin theta। तो कोट की वैल्यू अगर निकालनी है तो कोस का आंसर आएगा। ये देखो कोस का आंसर लिख दिया। और अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर क्या है? साइन। टेंजेंट भी ऊपर है तो साइन की वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर जीरो आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। इफ कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो और कोट थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा आर नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होते। सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा आर नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है लेकिन कई बार कुछ इतनी जल्दी नहीं क्लियर होता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।